नमस्कार बुलेटिन को स्वागत करछि ममियो। देश में कोरोना मामला बढ़ुची, एभली स्थित मास्क सबुठ बड़ अस्त्र। आम आपण बारंबार अनुरोध करछु मास्क पिंधतु। न्यूज 18 आरंभ करछि एक नुआ अभियान मास्क पेन इंडिया। आपण शपथ करंतु जेपर्यंत महामारी अच्छी मुहर मास्क काढ़े ना। शपथ ने कर्णाटक नुआ मुख्यमंत्री भाव बसवराज बोम्मई। आज दिन 11 बोम्मई को मुख्यमंत्री पदर शपथ देते राज्यपाल थावरचंद गहलोत। आज उत्सव में पूर्वतर मुख्यमंत्री येदियुरप्पा समेत दल अनेक केन्द्रीय और राज्यस्तर नेता उपस्थित थे। शपथ ग्रहण उत्सव पर बोम्मई कहते समस्त जातीय वर्ग लोक साथी नहीं कम करी केन्द्र नेतृत्व आशा पूरण करने लगे उद्यम करी। सेपटे सूत्र मिलता सूचना अनुसार बासवराज मंत्रिमंडल तीन जन उपमुख्यमंत्री रही पारती जनापड़ी। आर अशोक गोविंद कार्यालय वि श्रीरामुल को उपमुख्यमंत्री पद दि जाए। अशोक येदियुरप्पा मंत्रिमंडल राजस्व मंत्री थे। श्रीरामुल कल्याण मंत्री भाव कम करते सेपरी गोविंद कर्जल पूर्व उपमुख्यमंत्री भाव कम करते नुआ मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई येदियुरप्पा सरकार में गृहमंत्री भाव कम करते 1960 जनवरी 28 बासवराज जन्म से मध्य येदियुरप्पा भली लिंगायत संप्रदायर जड़े नेता पूर्वतर मुख्यमंत्री येदियुरप्पा से अति निकटतर बोली कह पूर्वतर मुख्यमंत्री येदियुरप्पा सुपारिश बासवराज को मुख्यमंत्री बासवराज बापा एसआर बोम्मई कर्णाटक मुख्यमंत्री मध्य थे। नुआ सरकार रहीपारे तीन उपमुख्यमंत्री आर अशोक गोविंद कार्जल और श्री वि श्रीरामुल। कर्नाटक के राजभवन में मुनक्कदा सादासी तकरीब में बसवराज बोम्मई ने रियासत कर्नाटक के वजीर आला की हैसियत से हलफ उठाया। बसवराज बोम्मई रियासत के 30वें वजीर आला मुंतखब हुए हैं। इसी के साथ ही रियासत में बीजेपी हुकूमत में क़यादत की तब्दीली का मसला आसानी के साथ हल हुआ है। बीजेपी आला कमान ने बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी होशियारी के साथ इस मसले को हल कर लिया है, लेकिन आने वाले मराहिल बीजेपी के लिए, बीजेपी हुकूमत के लिए आसान नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आज की हलफ बरदारी तकरीब में येदियुरप्पा के मुखालिफ जो गुरोह है उसके चेहरे नज़र नहीं आए। चंद एक जो मुखालिफिन में दर्ज किए जाते हैं वो दिखाई नहीं दिए। कहीं ना कहीं नाराज़गी, इख्तलाफात बीजेपी पार्टी में बरकरार हैं। काबीना की तौसी अब सबसे बड़ा चैलेंज है कि किस तरह बसवराज बोम्मई की क़यादत में रियासती काबीना की तौसी अमल में आती है। एक अहम बात ये भी है कि रियासत में जब से बीजेपी की हुकूमत कायम हुई है अक़लियतों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। क्या इस नई काबीना में क्या कोई अक़लियत का नया चेहरा शामिल होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। अक़लियतों की नुमाइंदगी हुकूमत में न होने के सबब ये बात बार बार उठाई जा रही है कि क्या बीजेपी हुकूमत सामाजिक इंसाफ पर कायम है या नहीं, ये सवाल बार बार उठता हुआ आ रहा है। बहरहाल देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में रियासत के सियासी हालात किस तरह दिखाई देते हैं। जैसा कि नए वजीर आला बसवराज बोम्मई ने कहा कि उनकी पहली तरजीह रियासत में मौजूद सैलाब का मसला है और कोरोना का मसला है। इन दो मसाइल की जानिब वो पहली तरजीह के साथ इन मसाइल पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। और नए वजीर आला ने यह भी ऐलान किया है कि वो सभी तबकों को, सभी जातों को एतमाद में लेकर अपनी हुकूमत चलाएंगे। तो इस तरह रियासत कर्नाटक में बसवराज बोम्मई, जो एक समझदार और सुलझे हुए सियासतदान समझे जाते हैं, लिंगायत तबके के एक अहम लीडर समझे जाते हैं, भले ही अब तक वो बीजेपी के दूसरे दर्जे के लीडर में शामिल थे, लेकिन अब उन्हें रियासत की क़यादत करने का मौका मिला है। कैमरामैन यूसुफ के साथ रऊफ अहमद, न्यूज 18 उर्दू, बेंगलुरु। पदारे पड़ा छत्तीसगढ़ शासक कांग्रेस दलय कंदल। सरकार मंत्रीकोणारे शासक दल विधायक सांघातिक अभियोग। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह अभियोग करिसेंती मंत्री सिंहदेव तांको ऊपर मारणात्मक आक्रमण करिपरंती। एहापर एकांत बसरे स्वास्थ्यमंत्री टीएस सिंहदेव
विधानसभा अधिवेशन आरंभ हेबा परे से गृह छाड़ी चली जाइथिले एहा परे से आज विधानसभा आसी नहांती कुआ जाउची विधायक विरोध में कार्यानुष्ठान न होबा जे से कहारी को भेटिबेनी बोली जणा पड़ुची एपरिकी से गणमाध्यम ठारु मध्य दूरे रहिछंती से प्रसंग में सरकार को घेरिछंती विरोधी विरोधी दल नेता ए प्रसंग में सरकार को ठारु स्पष्टीकरण मागिछंती आज भी संसद में गृह कार्य बाधा सृष्टि करिछन्ति विरोधी विरोधी हवाला जो मुलतवी रही गृह विरोधी उभय लोकसभा राज्यसभा मामलें आलोचना दावी दरदाम वृद्धि प्रसंग में आलोचना करने को दावी करते विरोधी बड़ कथा हूँ आज लोकसभा खेल हम स्लोगान देते विरोधी सांसद से राज्यसभा हवाला मध्य गृह कार्य मुलतवी रही भारत गस्तर आछन्ते अमेरिका वैदेशिक सचिव आंटोनी ब्लिंकेन दिनिका गस्तर ब्लिंकेन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वैदेशिक व्यापार मंत्री एस जयशंकर और जातीय सुरक्षा परामर्शदाता अजित डोभाल सहित करिबा आलोचना जो बिडेन टीम स्थान पाइबा पर ब्लिंकेन प्रथम भारत गस्त यह आलोचन तालिबान को पाकिस्तान सहयोग और दक्षिण एशियार चीन विस्तारवाद नीति स्थान पाइपे प्रधानमंत्री को भेटा पूर्व ब्लिंकेन नुआ दिल्ली एक होटेल विभिन्न नागरिक संगठन सहित कर आलोचना से कहते अमेरिका और भारत सुसंपर्क विश्वपाई गुरुत्वपूर्ण बहन करुभय देश लोक मानवीय मूल्यबोध समानतार सुजोग आईन धर्म विश्वास को नहीं मौलिक स्वाधीनता उपर विश्वास रखती दुई देश गणतंत्र मिलित भाव काम कर चीन प्रसंग में अमेरिका बहु पूर्व तार आभिमुख्य स्पष्ट कर सारी अमेरिका प्रतिरक्षा सचिव लयन अस्टिन कहते भारत सह सीमा बद चीन अनाग्रह देखा आद ग्रहणीय नुहे दीर्घदिन पर दिल्ली में स्वाभाविक होती मेट्रो ट्रेन सेवा तेणु गत दुई तीन दिन हम यात्रा करने लगे मेट्रो स्टेसन बाहर लंबा धाड़ी देखा मिली दिल्ली सरकार शतप्रतिशत यात्री को यात्रा करने को अनुमति देते से मेट्रो में प्रबल भिड़ होता छड़ा केतक कोविड कटक जो लोके भी लंबा धाड़ी ढड़ा होती आम संवाददाता रखना यह घटनार समीक्षा कर देश की राजधानी दिल्ली में अनलॉक 8 की शुरुआत हो चुकी है और अनलॉक 8 में दिल्ली सरकार की तरफ से कई सारी रियायतें दी गई हैं। वहीं दिल्ली में मानसून की बारिश भी जमाजम हो रही है और लोगों की परेशानी बढ़ रही है। इस वक्त मैं लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़ी हुई हूँ। जिस तरीके से अनलॉक 8 में मेट्रो के अंदर 50% की जगह 100% सिटिंग के साथ चलाने की इजाज़त दी गई है, लेकिन अगर आप मेट्रो स्टेशन के बाहर का नज़ारा देखेंगे तो लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। जिन लोगों को अपने ऑफिस जाना है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं, तो वो लोग कतार में खड़े हुए हैं अपनी बारी के इंतज़ार में कि कब उनकी बारी आएगी, कब वो मेट्रो के अंदर जाएंगे और कब वो अपने ऑफिस तक या जहां उन्हें ज़रूरी काम के लिए जाना है वहाँ पर पहुँच पाएंगे। हालाँकि दिल्ली मेट्रो की तरफ से ये कहा गया है कि 50% सिटिंग को अब 100% कर दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेट्रो में भीड़भाड़ होगी या खड़े होकर यात्रा कर सकेंगे। इसीलिए 100% सिटिंग कैपेसिटी की इजाज़त दी गई है, लेकिन बाहर जो लोग खड़े हुए हैं उनको लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है। एक तरफ बारिश हो रही है, दूसरी तरफ देरी हो रही है। उनसे भी हम बात करेंगे कि वो लोग क्या कहते हैं। कितनी देर से खड़े हैं आप? जस्ट अभी 2 मिनट। तो डेली इसी तरीके की भीड़ होती है? नहीं, बारिश की वजह से। बारिश की वजह से तो लोगों का कहना है कि बारिश की वजह से ऐसी भीड़ है और इंतज़ार तो करना ही पड़ता है। मेट्रो के बाहर का नज़ारा आप देखिए तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही है लगातार, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। लोग पास पास खड़े हुए हैं, लोगों से प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग ना के बराबर है। कितनी देर से खड़े आप लोग? 5 मिनट। 5-10 मिनट ही हुआ। तो ऐसे भी बारिश भी हो रही है, लंबा इंतजार करना पड़ता है अंदर के लिए? अंदर नहीं इंदर बाहर ही हो रहा है। नहीं, लाइन पे अंदर जाएंगे ना मेट्रो में? हाँ, आधा घंटा मैक्सिमम वेट करना। मतलब डेली घर से अगर जाना हो, कहीं पर पहुंचना हो 10 बजे, तो आपको 9 बजे निकलना पड़ेगा अंदर पूरी एंट्री के लिए? हाँ, निकलना। आप बताएं। इसमें सेम वो है कि एटलीस्ट 15-20 मिनट लाइन में खड़ा होना पड़ेगा बाहर, तो उस हिसाब से फिर ऑफिस के लिए भी निकलना पड़ेगा।
अभी तो 100% कैपेसिटी के साथ मेट्रो शुरू हो गई है। यस मैम, ऊपर तो 100% कैपेसिटी के साथ, लेकिन बाहर वेट ज्यादा करना पड़ता है। यस मैम, लाइन तो आप देख ही रहे हैं अभी लगी हुई है। आप भी मेट्रो से सफर करती हैं? नो, आज ही कर रही हूँ, आज कर रही हूँ जी। तो कितनी देर से इंतजार कर रही हैं? अभी आई हूँ, 15 मिनट हुए हैं। 15 मिनट हो गए आपको जी? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लोग लाइन में खड़े हैं, 15 से 30 मिनट का इंतज़ार उन्हें मेट्रो के अंदर प्रवेश के लिए करना पड़ रहा है। ऑफिस जाना है, समय पर जाना है, बारिश हो रही है, तमाम परेशानियां हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से लोगों से कहा जा रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल के लिए आप देख सकते हैं कि अगर आपको अपने ऑफिस समय पर जाना है तो घर से एक्स्ट्रा टाइम लेकर निकलना होगा, तभी आप अपने ऑफिस या अपने ज़रूरी काम के लिए समय पर पहुंच पाएंगे। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। ब्रेक पर स्वागत। राजधानी गणशिक्षा मंत्री को बासवन सम्मुखीन हंगामा, किरोसिन ढाली आत्महत्या उद्यम करछन्ते मा पुओ। पुओ मैट्रिक ऑफलाइन परीक्षा फोन पूरण बाद पड़ एभली कांड करबाको दुहें उद्यम करछन्ते। गतकाल मा पुओ कैपिटल हाईस्कल सम्मुखें एक कांड करते। कैपिटल हाईस्कल शिक्षक जाणीशुणी पुओ को फर्म पूरण करदेना मा अभियोग करछन्ते। मंत्री घर आगर मा पुओ को उठाई नेछे कैपिटल थाना पुलिस। आमर तो भूल ना, आमे तो 5 तारीख रु नहीं स्कूल जाइछु, बारंबार कहीछु 12 तारीख, 10 तारीख लास्ट डेट थिला, आमे 12 तारीख पर्यंत आमर पिला जाइछि, बापा जाइछन्ति, सार माने एकनी टोटल फाकुछन्ति, से माने आसिनांति। मु जदि कहली सीसीटीवी कैमरा चेक कर, सार कहउछन्ति जे आम उपर लेवल रे लोक अछन्ति, से माने चेक करिवे, आमे चेक करिपारिबु। मंत्री बाबू एइति पई आसिछि, तांको अनुरोध करूछि जे मो छुआ परीक्षा दो। दिल्लीर चोरी भुवनेश्वर गिरफ। भुवनेश्वर राजमहल अंचल जे युवती को गिरफ्त करछि दिल्ली पुलिस। गिरफ महिला ना सुजाता महापात्र, से दिल्ली में घर सहायक भाव काम करते। मालिक घर ना बेले सुजाता लक्षाधिक टंका अलंकार धरी चंपट मारते। एने घर मालिक थाना एतला देवा पर छानबीन आरंभ कर दिल्ली पुलिस। भुवनेश्वर राजमहल अंचल कमिश्नर पुलिस सहायतार सुजाता को गिरफ्त कर दिल्ली पुलिस। गिरफ्त पर सुजाता को ट्रांजिटिंग रिमांड नहीं सूचना मिली। काम आरंभ कर देथिलु, आउ अपेक्षा भी करूँ जो दिल्ली पुलिस टाइम पहुँचे आम साय कर, जेहेतु आम फोन में कथा कही सारी जमी पहुँचे आमर रेड है, रेड हो सारा अप्रेंड है, अप्रेंड हो सारा रिकवरी पार्ट भी चलला, तो रिकवरी पार्ट पर अनुगुल कोर्ट अफ सीजेम प्रडक्शन है, ट्रांजिट मैंने दिल्ली पुलिस कैस रिमांड नहीं भुवनेश्वर को। गंजाम पुरुषोत्तमपुर प्रतापपुर प्रेमिका को पड़ी मार्वा घटन पुलिस तनागना, अभियुक्त प्रेमिक कृष्णेन्द्र साहू को गिरफ्त कर पुलिस। ब्रह्मपुर बड़ मेडिकल मृत युवती शव व्यवच्छेद कर आज सका पर लोके आसी पहुंचा पर शव व्यवच्छेद कर गत 15 दिन है। युवती जनक मुजागढ़ एक मेडिकल लैब टेक्नीसीयन भाव काम करते, तेज से केवे प्रतापपुर आसते से नहीं पर लोके किसी जाणिना। पूर्व बहुबा युवती को कृष्णचंद्र निर्यातना दौरान अभियोग कर बापा दीर्घदिन धरी दुईं मध्य प्रेम संपर्क रही झीव को पोड़ मारिद कृष्णचंद्र को कठोर दंड में दंडित हो मृत युवती बापा दावी कर। गतकाली संध्या 5 प्रतापपुर एक परित्यक्त स्थानों युवती को उद्धार कर पुलिस। अर्धदग्त अवस्था युवती जनक चित्कार करुवा देखि लोके पुलिस को खबर देते। पुलिस युवती को नहीं हस्पिटाल भर्ती करता कि डाक्तरखाना मृत्यु होता। हाँ, मजिस्ट्रेटों उपस्थित से बयान मध्य रेकर्ड कराई, से खाली एतिकी कही निरे पोड़ कि से व्यक्तिर ना भी कही पोड़ी मारी बोली खाली एति खाली बयान संपर्क से कहे कलेज आम कलेज पढ़ा समय ही संपर्क गढ़ उठाला 2015। हाँ, स्पट्रे बर्तमान आम DFSL टीम पहुँची से तदंत कर कौन व्यवहार पुओ चाकरी करुच्ची से कह भुवनेश्वर इन्फोसिटी चाकरी कर पुओ को आम पिछा करेशपुर गोटे जगह अच्छी से आम धरी सी बहुत हैरान कर मझे मझे ये बढ़ी होकर रही सब वाले। हाँ, सी गोटे यहाँ सी पी आम शुणा पाइल सी गोटे वर्ष होगा बाहा शुणा पाइल काले ये कौन असुविधा करियो बोली ये कांड कला आम अनुमान कर ता भाया गोटे जघन्य अपराध कर फाँसीदंड देवा दरकार। ए तो ये मुजागढ़ जस्ट पोस्टिंग पाई गोटे 15-20 दिन हम से चाकरी से जाइए सी
ତାପରେ ସେଇଠୁ ତ ଏଇଠି ଆସିରେ ଘଟଣା ହେଇଯାଇଛି ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ କାଲି ସକାଳେ ପୁଣି ଭାଇନା ଆମର କଥା ହେଇଛନ୍ତି ତା ସାର୍ ନିଆଁ ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ପୋଡ଼ି ମାରିଛି ତାକୁ ବାଧ୍ୟ ତାକୁ ଇଏ ଦରକାର ଆମର ଝିଆରେ କି ନିଆଁ ବାଧ୍ୟ ଦରକାର ରାଜ୍ୟରେ କମୁଛି ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ତଥାପି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର 5% ଉପରେ ରହୁଛି କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁପାଳନ ସଂକ୍ରମଣ ହାର କେସ୍ ଲୋଡ୍ ଦେଖି ଅନ୍ଲକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନୁନଥିବାରୁ କଟକଣା ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଏମ୍ଇଟି ସିବିକେ ମହାନ୍ତି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯିବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିନି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆସିବା ପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଡିଏମ୍ଇଟି କହିଛନ୍ତି 10-15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବଳକା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାର ଅଡିଟ୍ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ଏବେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁର ଅଡିଟ୍ କରିବା ପରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଯେହେତୁ କରୋନା ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଓ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସବୁ ଦିଗକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଏମ୍ଇଟି ଅନଲକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟାଗରିଂ ୱେରେ ହୁଏ ବା ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ୍ ହୁଏ ତେଣୁ ହଠାତ୍ ଅଲ୍ ଅର୍ ନନ୍ଲକ୍ ଭଳିଆ ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ଟୋଟାଲି ଅନଲକ୍ କରିଦେବୁ ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତିଟାକୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କାଲି ବି କହିଛି ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ସେଇଟା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି ହେବ ସେଇଦିନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଫାଇନାଲି ଏଇଟା ଡିସାଇଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି 1703 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସଂଗରୋଧ 988 ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 715 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହାସହ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 9,72,517କୁ ପହଞ୍ଚିଛି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି 9,49,350 ଜଣ ଏବେ ବି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି 17,411 ଜଣ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 386 କଟକରୁ 240 କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 149 ପୁରୀରୁ 149 ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 88 ଯାଜପୁରରୁ 85 ଭଦ୍ରକରୁ 70 ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 62 ଅନୁଗୁଳରୁ 59 ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 52 ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 51 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେପରି ନୟାଗଡ଼ରୁ 46 ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 43 ରାୟଗଡ଼ରୁ 33 କେନ୍ଦୁଝରରୁ 28 ସମ୍ବଲପୁରରୁ 15 କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 12 ଗଞ୍ଜାମରୁ 10 ସୋନପୁରରୁ 10 ଦେବଗଡ଼ରୁ 9 କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳରୁ 8 ବରଗଡ଼ରୁ 6 ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 5 କୋରାପୁଟରୁ 5 ବୌଦ୍ଧ ମାଲକାନଗିରି ନବରଙ୍ଗପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ଗଜପତି ଓ ନୂଆପଡ଼ାରୁ 4 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 69 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି କିଲର ଭାଇରସ୍ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 5,703କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 14 ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 10 ଅନୁଗୁଳ 9 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 8 ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 5 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ବରଗଡ଼ ପୁରୀ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର 4 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି କନ୍ଧମାଳରୁ 3 ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 2 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଭଦ୍ରକ କଟକ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ମାଲକାନଗିରି ନୟାଗଡ଼ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି କରୋନା ପାଇଁ ବ୍ରେକ୍ର ସ୍ୱାଗତ ଆଉ ବାହାରୁ କିଣା ଯିବନି ମେଡିକାଲ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏଣିକି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ 15 ସୁଦ୍ଧା ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ବାହାରୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କିଣିବା ସମୟରେ ବେଳେବେଳେ ଗାଡ଼ି ସମସ୍ୟା ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ନେଇ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲେ ସେ ସମସ୍ୟା ଆଉ ରହିବନି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ଆମର ଏଠି ଏବେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ 3ଟା ବି ତିଆରି ହେଉଛି ସେହି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଏବଂ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ 2ଟା ଜାଗାରେ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବି ବାହାରୁ ଆସିକିନା ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ହୋଇକି ରହିବ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ମେଡିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବି ରହିବ ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟେ ପିଏସ୍ଏ 2ଟା ହେଉଛି ଏଥିରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏଇଠା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ସେଇଟା ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆମ ନିଜ ପାଇଁ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ହେଲା ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପେରିଫେରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମଧ୍ୟ ବିତରଣ ବି କରିପାରିବୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ବିଜୟ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହଂକଂର ଚେଙ୍ଗ ନାଇ ଇଙ୍କୁ 2-0 ସେଟ୍ରେ ହରାଇଛନ୍ତି ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ରେ 21 ରନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଟ୍ରେ 21-16 ପଏଣ୍ଟରେ ହରାଇଥିଲେ ସିନ୍ଧୁ ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ସିନ୍ଧୁ ନକ୍ଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି
ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ମହିଳା ହକିରେ ଭାରତର ପରାଜୟ ଧାରା ଜାରି ରହିଛି। ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ଠାରୁ 4-1 ଗୋଲ୍ରେ ହାରିଛି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍। ସେହିପରି ତୀରନ୍ଦାଜିରେ ହାରିଯାଇଛି ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ତରୁଣଦୀପ ରାୟ। ତୀରନ୍ଦାଜ ପୁରୁଷ ଏକ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଇଟାଲୀୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କଠାରୁ 6-5 ହାରିଯାଇଛନ୍ତି ତରୁଣଦୀପ ରାୟ। ସେହିପରି ରୋଇଂ ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ସରେ ଭାରତକୁ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ଅରୁଣ ଲାଲ ଏବଂ ଅରବିନ୍ଦ ସିଂଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସାଇକେଲ ରାଲି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଚିୟର ଫର ଇଣ୍ଡିଆ ସାଇକେଲ ରାଲିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ପତାକା ଦେଖାଇ ସାଇକେଲ ରାଲିର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଭୃଗୁବକ୍ସି ପାତ୍ର, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବାବୁ ସିଂ, ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ସାଇକେଲ ରାଲିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। India!